विनेश फोगाट ने कुश्ती को कहा अलविदा। निजी जीवन में भी योद्धा हैं विनेश फोगाट। संघर्षों से भरा रहा करियर, हमेशा चैंपियन बनकर निकली। महिलाओं की 55 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा के फाइनल से बाहर होने से हैं आहत। सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। पिछले 1.5 साल में विनेश का नाम काफी चर्चा में रहा। कुश्ती ही नहीं बल्कि विवादों से भी रहा नाता। देश के दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था। माना जा रहा था कि विनेश का पदक पक्का हो गया है, लेकिन उन्हें डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। बहरहाल विनेश के इस मुकाम तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। वे सिर्फ कुश्ती के मैट पर नहीं बल्कि निजी जीवन में भी एक योद्धा रही हैं। पिछले 1.5 साल में विनेश का नाम काफी चर्चा में रहा है। सिर्फ पदक जीतने के मामले में नहीं बल्कि विवादों से भी उनका नाता रहा है। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना। आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती 2001-2024। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी। विनेश फोगाट का खेल करियर। विनेश ने बड़े बड़े टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन किया। ओलंपिक पदक लाने से पहले कई उपलब्धियां। राष्ट्रमंडल खेलों के अलावा एशिया खेल विश्व चैंपियनशिप और एशिया चैंपियनशिप में तिरंगा लहराया। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊ महावीर सिंह ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र में खेल से परिचय कराया। विनेश अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया था। लड़कियों को पहलवानी सिखाने पर फोगाट परिवार को मिसे ताने। मुश्किल ट्रेनिंग करती रही विनेश। आपको बता दें कि विनेश को ट्रेनिंग के लिए सुबह 3:30 बजे उठकर जाना पड़ता था। बचपन से ही बिना ट्रेनिंग के घंटों की गिनती किए बिना लगातार प्रैक्टिस करती थी। गलती होने पर मार भी पड़ती। ट्रेनिंग के बाद वे स्कूल भी जाती, जहां थकान के कारण वे क्लासरूम में सो जाया करती थी। बाल लंबे करने की इजाजत उन्हें नहीं थी, क्योंकि विनेश के ताऊ जी को लगता था कि लंबे बाल ध्यान भटका सकते हैं। विनेश फोगाट की खास उपलब्धियां। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, पदक से चूक गई। उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशिया खेलों में स्वर्ण हासिल किया। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने नूर सुल्तान में पहला विश्व चैंपियनशिप पदक हासिल किया और इससे पहले एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर सभी को हैरान कर दिया। 2021 एशिया चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, टोक्यो ओलंपिक का हिस्सा बनी।
साथ ही राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। विनेश फोगाट 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है। खेल प्रणाली के खिलाफ किया था आंदोलन। बता दें कि पिछले साल यानी 2023 में 18 जनवरी को जब विनेश समेत भारत के कुछ दिग्गज पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे तो पूरा देश हिल गया। महिला खिलाड़ियों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मामला बढ़ा तो बृजभूषण को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। वहीं संजय सिंह के अध्यक्ष बनते ही विनेश की साथी पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके बाद बजरंग पुनिया ने पद्मश्री लौटा दिया और पैरा पहलवान वीरेंद्र सिंह ने भी पद्मश्री लौटाने की बात की। इसके बाद खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। तदर्थ समिति बनाई गई तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया। हालांकि संजय सिंह को पहलवान अध्यक्ष मानने को तैयार हुई और IOC ने निलंबन हटा लिया। हालांकि बृजभूषण पर आरोप तय होने के बाद सजा नहीं मिली तो विनेश ने भी खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद ओलंपिक चयन ट्रायल को लेकर भी खूब बवाल हुआ। ऐसे में विनेश को अपना मूल भार वर्ग 53 किलोग्राम छोड़ना पड़ा और वह भार घटाकर 50 किलोग्राम कैटेगरी में आ गई। हालांकि बवाल यहीं तक नहीं रुका। कौन सी एथलीट जाएगी और कौन नहीं, इसको लेकर कुश्ती संघ को फैसला करना था और उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले एथलीट्स के लिए 2 चयन ट्रायल रखवाए। हालांकि बाद में कुश्ती संघ ने चयन ट्रायल रद्द कर दिया और इस तरह विनेश ही ओलंपिक में उतरी। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के कारण कहा गया कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। विनेश हमेशा कहती रही कि उनका सपना भारत को ओलंपिक पदक दिलाना रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।